मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई खतरा नहीं है, हालांकि तीन जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। 43 है, 43 में 88 में 43 है, तो कैसे अब बहुमत हो गए? वो उनके उसने खरीद फरोख्त कहाँ कर लिया, कौन खरीद लिया, किस पार्टी का खरीद लिया बताएं, वो कौन सा है? पब्लिक के सामने आना चाहिए ना चेहरा जी। कल वो मलाई वहाँ चूस रहे थे, आज वो मलाई खाने के लिए इधर आ जाएंगे। हम भानुमती के कुनबे के साथ कोई सरकार नहीं चलाएंगे, हम नया जनादेश लेंगे। कांग्रेस पार्टी गांध चल रही है अंडर करंट, मतलब इतनी बड़ी लहर है, मैं आपको बताऊं, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। हरियाणा प्रदेश में बच्चे सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री सैनी का बयान आया है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व स्पीकर साहब हैं, कादियान साहब। मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई खतरा नहीं है, हालांकि तीन जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था, क्या लगता है कि आगे की स्थिति किस तरह बन रही है? ऐसा है, या तो मुख्यमंत्री जी को की गिनती में कोई फर्क है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये बने 48 आदमियों ने चिट्ठी दी थी कि हम नायब सैनी के समर्थन में खड़े। 48 में से दो खट्टर साहब और रणजीत सिंह चौधरी जो है वो रिजाइन कर गए, जो 88 का हाउस हो गया, 88 में से 48 में, हाँ हाउस 88 का हो गया और 48 से 46 हो गए, और 46 में से तीन जो आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने समर्थन वापस ले लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो 43 ये रह गए 43 आदमी, तो 88 में 43 आदमी अल्पमत में है, ये गिनती है। और हमारा मांग है, हमारी मांग ये है कि भाई इसमें इसको डिजोल्व करा जाए, गवर्नर साहब इसको डिजोल्व करें, या ये नैतिकता के आधार पर जो है ये अपना इस्तीफा दे। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि संख्या बल पूरा उनके पास है और तमाम जो विधायक गए थे वो उनके उनके उसने खरीद फरोख्त कहाँ कर लिया, कौन खरीद लिया, किस पार्टी का खरीद लिया बताएं, वो कौन सा है? पब्लिक के सामने आना चाहिए ना चेहरा जी। फ्लो टेस्ट होना चाहिए आपका? फ्लो टेस्ट में हम विश्वास नहीं करते, फ्लो टेस्ट में होस्ट ट्रेडिंग होगी, 3 महीने बाकी, हरियाणा प्रदेश बदनाम होगा पूरी दुनिया में। आप लोग क्या चाहते हैं फिर अभी? हम चाहते हैं डिसोल्यूशन हो, नया जनादेश आए और उनकी सरकार हमारी बने, किसकी बने वो सरकार। लेकिन इसमें जो राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है, वो अगर कहते हैं कि नहीं फ्लो टेस्ट होना चाहिए और संख्या बल को दिखाना चाहिए, तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? क्योंकि जजपा ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी मांग की है। उसमें ऐसा है जी, फ्लो टेस्ट हो जाओ आप, फ्लो टेस्ट में पता लग जाएगा भाई कौन आदमी बिक रहे हैं कौन नहीं, तो हम जो है ना होर्स ट्रेडिंग को जो है वो अवॉइड करना, मतलब उस लाइन पे हरियाणा प्रदेश बदनाम नहीं होना चाहिए इस पूरे गेम में। हमारी ये प्रजातंत्र में मतलब जो साख है, जो वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रजातंत्र में, नेताओं की साख, अगर नेताओं की साख लीडरशिप की साख हिल गया तो फिर प्रजातंत्र हिलता है उसमें, तो इसमें हमारी मांग है डिसोल्यूशन और नया जनादेश आ जाए। क्योंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो दल बदल करते हैं, क्या आपको लगता है कि जो निर्दलीय विधायक है शायद उनको कोई प्रलोभन दिया होगा, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो या अन्य पार्टी की तरफ से हो, इसलिए शायद वो छोड़ के चले गए उनको? नहीं, ऐसा है मैं बताऊं जी, ये जो पॉलिटिकल आदमी है ना, ये मौसम विज्ञानी कैसी, और ये मौसम को देखते हैं कहाँ बरसात होगी, कहाँ सूखा पड़ेगा, कहाँ, तो इनको पता है। अब जब लहर चल रही है आपके, आप देखो तकरीबन 40 के करीब भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व सांसद, अब के सांसद हैं जी, उन्होंने ज्वाइन किया है उस माहौल में। अब ये जैसे अब एक तरफा माहौल लोकसभा के चुनाव में आ रहा है, आंधी चल रही है और अंडर करंट इतना, किसकी आंधी चल रही है? कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है, अंडर करंट मतलब इतनी बड़ी लहर है, मैं आपको बताऊं, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, CBI को भी नहीं पता है, सीक्रेट एजेंसीज को नहीं पता, चैनल्स को नहीं पता, वोटर साइलेंट है पूरा, हाँ पूंजीपतियों को नहीं पता, इतना जबरदस्त अंडर करंट है पूरे देश में। अब ये जो 400 का जुमला है ना जी, ये 150 से नीचे आएगा, आप देख। लेकिन जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो रोहतक से पूर्व सांसद रहे हैं, वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो अरविंद सैनी हैं यहाँ के, वो एक आरोप लगा रहे हैं, अरविंद शर्मा जी माफ कीजिएगा, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जहाँ भी जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ से जीत कर आते हैं तो दिल्ली वाया
चंडीगढ़ का रास्ता खुल जाएगा। उनका यह कहना है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर एमपी के नाते चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, जो क्योंकि वो जनता के बीच ये कह रहे हैं कि अगर चुन के आते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे आगे चलते। चलो वो क्या करते हैं, वो तो पंडित जी तुम्हारे विद्वान आदमी है जी, वो तो मारता रहता है, कभी इधर मारता है, कभी इस मारता है, कभी इस फील्ड से, कभी कांग्रेस से, कभी बीजेपी से, कभी आजाद, वो तो खिलाड़ी आदमी है। उनका कोई सानी नहीं है, मैं उनकी बात पर नहीं जाना चाहता, पर मैं उस बात पर जाना चाहता हूँ जो आपने कही है कि दीपेंद्र हुड्डा का ये मानना है कि अब लोकसभा में जिस ढंग से हमारी जीत होगी उसके बेसिस पर विधानसभा के चुनाव में चंडीगढ़ की कुर्सी, मतलब ये ओपिनियन वो देना चाहते हैं। क्योंकि आपको लंबा अनुभव रहा है, अब स्पीकर भी रहे हैं, आपको क्या लगता है स्थिति इस वक्त जो विधानसभा की है आपकी नजर से, अगर मैं बात करूं तो कैसी नजर आ रही है कि क्या बीजेपी के पास समर्थन एकजुट हो सकता है, या जो आप बात कर रहे हैं कि जो डिसॉल्व होनी चाहिए सरकार वो होना चाहिए? वैसा है जी, मैं आपको बताऊँ, ये मैंने आपको क्लियर किया है ये कि तीन ऑप्शन है, या तो ये नैतिकता पर आधार पर दे, या गवर्नर साहब जो है मतलब किसी उसमें आके कोई बात फ्लोर टेस्ट की बात करें, या एक टेस्ट और फ्लोर टेस्ट की बात करेंगे तो वो होस्ट जो ट्रेडिंग है, जो खरीद फरोख्त है उसको वो बढ़ावा देंगे। तो यही है कि भाई ये विधानसभा डिसोल्यूशन होके और नए चुनाव हो, नया जनादेश जनता देगी, नई सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी। साहब, चूंकि हमने देखा था कि जजपा पहले भाजपा के साथ थी, वो अब उनके साथ नहीं है, वो भी कह रही है कि जो सरकार डिसॉल्व होनी चाहिए, जजपा के रोल को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, अब उनका क्या रोल रहेगा? जजपा ने उनको सपोर्ट किया था जब जजपा थी, अब जजपा नहीं, वो या तो कोई मीटिंग बुलाएं उसमें बताएं ये 10 हमारे, या गवर्नर साहब के सामने परेड करवाएं 10 आदमी, उनके पास आदमी तो नहीं ना जी। या यूं कह सकते हैं कि जो नए मुख्यमंत्री आए हैं सैनी साहब, उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बन गई है, अपना टेस्ट देने की बारी आ गई है, क्योंकि पहले हमने देखा खट्टर साहब थे, लंबा अनुभव था, सरकार चलाई उन्होंने कई सालों तक, अब जब ये आए हैं सैनी साहब और चुनाव सर पर है, चुनाव होने वाला है यहाँ पर, ऐसे में सरकार के ऊपर खतरा मंडराना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है उनके लिए भी? ये ऐसा है जी, ये हरियाणा प्रदेश की क्योंकि डेमोक्रेसी में मतलब मेजोरिटी की सरकार हो, मेजोरिटी की सरकार जनता की भलाई के लिए काम करे। हमने कोई बात ही नहीं उठाई, ये 3 MLA छोड़ने के बाद उठी, नई पैदा स्थिति पैदा हुई है, और इस सिचुएशन में ये है कि डिसोल्यूशन हो और 3 महीने का कोई टाइम नहीं ना जी, 3 महीने सरकार के ये होर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त कर भी लेंगे तो उसमें हरियाणा बदनाम, ये मतलब बेटर सोल्यूशन ये है कि डिसोल्यूशन करें, चुनाव नया जनादेश आए, सरकार जो भी झटकार आएगी वो जनता की भलाई के लिए काम करे। पूर्व स्पीकर साहब कादियान साहब, उनका कहना है कि सरकार डिसॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग इसमें करेगी और कहीं ना कहीं जो हरियाणा है उसका नाम बदनाम होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार डिसॉल्व हो, और चूंकि 6 महीने बाद चुनाव होने हैं तो इसलिए सरकार डिसॉल्व होना जरूरी है और राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लग जाना चाहिए। ऐसा जी, ये है लिटरली है कि भाई एक बार लो कॉन्फिडेंस आ जाए तो 6 महीने के बाद आ, लेकिन मैं विपक्ष में हूँ, मैंने लो कॉन्फिडेंस दे दिया, डिस्कशन हुआ 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ जिसको जीतना था, उसके बाद वोटिंग हुई, उस नो कॉन्फिडेंस को जीत गए, अगली मिनट में मैं दूसरा नो कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ, अगर विधानसभा के 12 MLA 20 MLA बाहर जाके हमारे साथ आ गए तो अगर ग्राउंड दूसरा है, एक ही ग्राउंड है, फेलोर ऑफ द गवर्नमेंट है, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, उसमें नहीं आ सकता, लेकिन ग्राउंड दूसरा है, अब ग्राउंड है माइनॉरिटी, तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो 6 महीने दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ भी सकता है, लेकिन हम तो उससे ऊपर आ गए ना जी, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई डिसॉल्व करो और जनता के पाड़े में गेंद फेंको और चुन के जाओ, नया जनादेश लो और जनता की भलाई के लिए जो जिसको भी जनता चुने वो करे। कांग्रेस सरकार बनाएगी 10 विधायक? हाँ, वो तैयार है। नहीं, आर यू श्योर?
कौन कह रहा है? ये कह रहा है पहले दुष्यंत चौटाला मीटिंग तो बुलाए अपने, कितने आएंगे? लिखित में भी बोल दिया कि तो लिखित लिखित परेड करवा दें गवर्नर के सामने। मेरे 10 आदमी है, नो हम भानुमती के कुनबे के साथ कोई सरकार नहीं चलाएंगे, हम नया जनादेश लेंगे। तो कल वो मलाई वहां चूस रहे थे, आज वो मलाई खाने के लिए इधर आ जाएंगे। वो तो फिर ऑप्शन है, वो तो पार्टी लाइन पर जो जो भी पॉसिबल होगा डिस्कशन के बाद सारा। निसंभव है पोलिंग का और विधानसभा की फंक्शनिंग का कोई कनेक्शन नहीं, ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चल रही है, वंस इट स्टार्टेड कैन नॉट बी स्टॉप। लेकिन वो एक अलग मतलब विधानसभा का इश्यू है, वो अलग से विधानसभा सेशन भी गवर्नर बुला सकते हैं, लेकिन मैं सेशन बुलाए या मतलब उसमें ये है कि भाई होल स्टेडिंग हो, वो जिस लाइन पर आप भी देखते हो हम भी जानते हैं इस बात कि किस तरह से उन्होंने लॉलीपॉप देकर कुछ MLA जो है कहीं कहीं से इधर उधर से, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग हो, वो खरीद फरोख्त हो, उससे बचने के लिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का नाम पहले ही आया रामगार बहुत बदनाम हो, और ये दल बदलू के कानून भी बना दिए, दूसरे भी बना दिए, फिर भी लोग रास्ता ढूंढ, तो ये मैं इसको डेमोक्रेसी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए दल बदलू या मतलब इसमें अच्छा नहीं। राजेंद्र साहब पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि खट्टर साहब हो नायक सैनी हो कि पूरी तरह सरकार सेफ है हमारे पास, मतलब मेंबरों का नहीं, तो मैं बताने लग रहा सेफ 43 आदमी है, आप बता दो मेरे को 43 है, 43 में 88 में 43 है, तो कैसे अब बहुमत हो गए? गिनती या उनको या तो वो गिनती जानते नहीं है या जानबूझ कर जो है, अब जनता देख रही है, अब वो जनता यू कैन नॉट मेक द फूल ऑफ ऑल द पीपल फॉर ऑल, हमेशा के लिए सबको बेवकूफ नहीं बना सकते, अब जनता देख रही है और जनता जो है अब अपना जनादेश देगी, वो 2 महीने के बाद देगी, ये 2 महीने बचा लेंगे ना बचा लेंगे इससे हमारा कुछ, लेकिन अब हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी निवेदन गवर्नर साहब से भी पार्टी लाइन पर भी कि भाई इस विधानसभा को भी गौर करें नया जनादेश। थैंक यू सर, थैंक यू।